यस यस सर। ओके, आप लोग मैं नजर आ रहा हूँ क्लियरली? चलिए, यस सर। वेरी गुड। अब कोई डाउट पूछा तो पहले डाउट पूछ लीजिए। यस सर। हाँ सर, वो ये पूछ रहा था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है ना। मैंने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बताया नहीं तेरे को? बताया मैंने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में? मैंने एक बार भी जिक्र किया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया का? बोलो भाई, क्या मैंने एक बार भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलिया का जिक्र किया अभी सर तक? कॉलोमिनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का किया था। कॉलमर स्टूडेंट सर्टिफाइड का किया है ना? मैंने हाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का तो किया ही नहीं अभी तक जिक्र। सर, शायद नहीं किया। हाँ, तो जब करेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। क्यों ओके सर, भाई? ओके। ओके, चलिए। तो अभी जिन बातों का जिक्र किया है उन्हीं बातों पे हम बात करेंगे, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस भी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और आज जो टिश्यू मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो टिश्यू है आपका। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने एपिथीलिया सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। हमने लास्ट किया था ग्लैंडुलर टिश्यू डिस्कस। अब क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू डिस्कस किया था, तो अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्लैंड्स, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो आइए हम वन बाय वन ग्लैंड्स की बात करेंगे। ग्लैंड्स क्या होते देखिए, अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, आई सपोज ये स्क्रीन सबको विजिबल होगी, ग्लैंड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? सर आ ओके, रहा है। तो यस ग्लैंड्स क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा। एनीथिंग विच डज अ सेक्रीशन, मतलब कोई चीज है जो सेक्रीशन कर रही है, तो हम उसको फिर क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो सर थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ग्लैंड लिखा हुआ नहीं दिख रहा। इसको ग्लैंड ग्लैंड लिखा नजर नहीं आ रहा बेटा? फुल स्क्रीन, कृष्णा आपकी फुल स्क्रीन पर नजर आएगा, स्मॉल स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने मोबाइल को ऑटो रोटेशन ऑन करो, फुल स्क्रीन सर। रखो, आपको सब नजर आएगा। अभी भी नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, कितने लोगों को ग्लैंड लिखा नजर नहीं आ रहा भाई? सर मुझे नहीं आ रहा। सिर्फ आप ही को नजर नहीं आ रहा? चलो कोई थोड़ा ऑल्सो नीचे ले जाते हैं, ये नजर आ रहा है ग्लैंड लिखा हुआ। सर मुझे भी। ओके, तो यस सर। ग्लैंड्स वो है जो कि क्या करे, कोई सेक्रीशन करे। तो सेक्रीशन करने वाली किसकी होती है? ग्लैंड्स होती है। अब ग्लैंड्स को मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं सिंपली। एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में सेक्रीशन ब्लड के अंदर होती है, और एक्सोक्राइन में सेक्रीशन या तो ब्लड के अंदर होगी या बॉडी से बाहर होगी, मतलब या तो ऑन सबस्ट्रेट होगी, सबस्ट्रेट मतलब जिसपे एंजाइम को काम करना है, तो या तो ऑन सबस्ट्रेट होगी या आउटसाइड बॉडी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ग्लैंड्स कैन बी एंडोक्राइन, ग्लैंड्स कैन बी एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन
सेक्रेशन ब्लड में देंगे, एक्सोक्राइन ऑन सबस्ट्रेट या आउटसाइड बॉडी देंगे, और एंडोक्राइन सेक्रेशन मेनली जो होती है वो क्या होती है, हार्मोन। और एग्जांपल में आपके पास है, एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा पैनक्रियास, पैनक्रियास हाँ पैनक्रियास बोल सकते, और लेट्स से थायराइड, लेट्स से पिट्यूटरी एक्सेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके पास एग्जांपल में आ जाएगा, अगेन पैनक्रियास, यहाँ पे आएगा पैनक्रियास के एसएनआई पार्ट, सॉरी यहाँ पे पैनक्रियास आएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, यहाँ पे आएगा पैनक्रियास का एसएनआई, यहाँ पे आएगा एग्जांपल में पैनक्रियास हो गया, और जैसे स्वेट ग्लैंड्स दैट इज नॉट सुडोरीफेरस मतलब स्वेट आप पहले जानते हैं, या सीबेशियस या मैमल, तो बच्चे एवरीबॉडी ध्यान सुनिए मेरी बात, पे अटेंशन एवरीबॉडी, सिंपल सा सरल सा आसान सा मासूम सा कॉन्सेप्ट कि लेट्स टॉक नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन कि अगर कोई ग्लैंड है, ठीक है, अब ग्लैंड क्या है तो एपिथेलियल सेल्स ही, या तो क्यूबॉइडल है या कॉलुमनार है, बस वो क्या कर रहे हैं, कुछ सेक्रेट कर रहे हैं, कुछ रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई वो सेक्रेट करके रिलीज कर रहे हैं तो वो सेक्रेशन हो जाती है। अब क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स अपने सेक्रेशन जो है ना आसपास के फ्लूइड में दे देते हैं डायरेक्टली, आसपास के फ्लूइड में। देखो मान लो आप एक पानी के किनारे रह रहे हैं, तो आपको अपना घर का वेस्ट थ्रो करना है, तो आप क्या करोगे भाई, जो पानी जा रहा हो भाई उसमें थ्रो कर दो, कुछ लेना होगा पानी से ले लो। तो यहाँ सिस्टम क्या है, सेल्स के पास आसपास ब्लड जो आ रहा है या जो भी फ्लूड आ रहा है उसमें ये लोग अपने सेक्रेशन रिलीज कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है क्लियर। तो ये तो सेक्रेशन हो गया, इसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर, जो जनरली क्या होती है हार्मोन होती है। अच्छा भाई, अब कभी कभार क्या होता है कि एक ग्लैंड उसने क्या किया, एक पाइप बना ली, ठीक। अब ये जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप क्या है, ये पाइप डक्ट है, तो ग्लैंड ने सेक्रेशन करी और सीधा ब्लड में नहीं दी, एक डक्ट में रिलीज कर दी, एक पाइप में रिलीज कर दी। अब ये पाइप जहां भी जाके, जहां पे इस सेक्रेशन की डिलीवरी करनी है या जहां इसने काम करना है उसके ऊपर रिलीज हो गए। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आपके बकल कैविटी के अंदर है, वो सलाइवा रिलीज करते हैं, और सलाइवा कहाँ रिलीज होता है, सीधा मुंह के अंदर, मुंह के अंदर क्या है फूड है, और काम किस पे करना है, फूड पे करना है, स्टार्च पे करना है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज है, तो सलाइवा नहीं है फूड पे काम कर रहा है, वो डायरेक्टली किस पे रिलीज हो रहा है, किस पे रिलीज हो रहा है, डायरेक्टली फूड पे रिलीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑन द सबस्ट्रेट। या अगर ध्यान से देखें तो किसके थ्रू रिलीज हो रहा है, डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहा है, तो इससे हम बोलते हैं कि जो ग्लैंड्स अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ऑन फूड रिलीज करते हैं, डायरेक्टली ऑन द सबस्ट्रेट रिलीज करते हैं, जिस पे काम होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो जो अपना डायरेक्टली सेक्रेशन को सबस्ट्रेट पर रिलीज करेंगे थ्रू अ डक्ट, दोज आर नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी डक्ट वाले ग्लैंड्स, और जो अपना सेक्रेशन ब्लड में रिलीज कर देंगे वो बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या सिंपली हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड्स। अब जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान के चलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क कहां रिलीज होता है, आउटसाइड द बॉडी, एक्सोक्राइन, सेबेशियस ऑयल कहां रिलीज होता है, आउटसाइड बॉडी, सुडोरीफेरस कहां रिलीज होता है सेक्रेशन, आउटसाइड द बॉडी, सो दे ऑल लाइक इन द कैटेगरी ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, पैनक्रियास बड़ा इंटरेस्टिंग है,
पैनक्रियास के अगर हम दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, एक छोटा पार्ट होता है उसे बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस है वो एंडोक्राइन है, मतलब उसकी सेक्रेशन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? हार्मोन जैसे कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को ब्लड में कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकोगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन ग्लूकोगॉन बैलेंस करते हैं आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को। क्लियर? सो ये जो हॉर्मोन्स है इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, कौन रिलीज कर रहा है आपके लिए? हु इज रिलीजिंग द, हु इज रिलीजिंग द आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस इज रिलीजिंग द। तो इस लिहाज से पैनक्रियास बिकम्स टू बी एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वेयर एज पैनक्रियास हैज अनदर स्ट्रक्चर नोन एज asinine. And what does asinine releases? Asinine releases nucleases, proteases, amylases, lipases, मतलब lipid, protein, carbohydrate सबको digest करने के enzymes. और enzymes का release हो गया सीधा food. कहाँ release होता है ये? ये release होते हैं as pancreatic juice into small intestine. तो फिर आपका जो pancreas है वो बन जाता है exocrine gland. तो ऐसे gland को हम कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं या हेटरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मतलब कि हेटरोक्राइन मतलब दोनों तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या एक और टर्म आती है कंपाउंड ग्लैंड, या सिंपली बोल सकते हो कंपाउंड ऑर्गन। ठीक, तो पैनक्रियास इज द कंपाउंड ऑर्गन, पैनक्रियास इज द कंपाउंड ग्लैंड, पैनक्रियास इज हेटरोक्राइन, इट्स एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। आई सपोज आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में डिफरेंसेस क्लियर है विदाउट। सर कंपाउंड ग्लैंड सिर्फ पेनक्रियाज ही है और भी होते हैं? एक्चुअली आपकी आवाज स्लो हो गई है, मैं एक मिनट रीजॉइन कर रहा हूं आप लोगों को। हाँ जी, किसी को डाउट है, कोई पूछ रहा था भाई? सर मैं ये कह रहा था हेट्रोक्राइन पैनक्रियाज ही होते हैं और भी होते हैं? और भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सिंपलर एग्जांपल में आ जाऊं तो गोनाड्स, गोनाड्स भी हेट्रोक्राइन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरीज एंड टेस्टिस। ओके सर। सर फूड के अलावा सबस्ट्रेट का और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? फूड हाँ हो सकता है, फूड के अलावा सबस्ट्रेट का एग्जाम्पल और भी हो सकता है। अब लेट मी थिंक, आई हैव टू थिंक ऑन दिस। फूड के अलावा देखो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, लेकिन हो सकता है ठीक है कि कोई एंजाइम, कोई कोई ऐसा एंजाइम हो जो डक्ट से आ रहा हो और सबस्ट्रेट उसमें फूड ना हो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात छोड़ दें तो और भी तो एंजाइम्स होंगे हमारी बॉडी में। एंजियोटेंसिन वो होता है डक्टलेस, वो ब्लड में होता है और एंजाइम्स डक्ट के थ्रू, पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट बाहर, मेम्ब्रेन डक्ट, सीलेशन डक्ट। अब हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नहीं वो आउटसाइड बॉडी हो जाएगा, आउटसाइड बॉडी हो जाएगा ना। हाँ एक है जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, ठीक है,
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाहर ग्रेटर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, वो ग्रेटर और लेसर वेस्टिबुलर जो ग्लैंड्स हैं, हालांकि उनकी डक्ट भी वैसे तो आउटसाइड द बॉडी ही है, लेकिन उसकी सेक्रीशन इनसाइड द कॉपुलेशन कैनाल या वजाइना जाती है टू काइंड ऑफ डिक्रीज द पीएच ऑफ द वजाइना एंड लुब्रिकेट द वजाइना सो दैट कॉपुलेशन कुड बी लेस लाइक कॉजिंग वेयर एंड टियर. तो वो एक एग्जांपल है. और म्यूकस का रिलीज होना अगेन वो भी फूड पे आ जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अब फूड का सब्सट्रेट छोड़ दें तो जैसे कि आप समझिए पैनक्रियाटिक डक्ट को समझ लीजिए कि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स उसमें कभी कभार क्या होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ना वो स्टमक की और सॉरी इंटेस्टाइन की अल्कलिनिटी को मेंटेन करते हैं. तो फिर वो बॉडी के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं और डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहे हैं और फूड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो एनवायरमेंट को अल्कलाइन बना रहे हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो अल्कलाइन एसिडिक बनाए भी फूड नहीं है. तो मतलब इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, मतलब दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स. और भी एग्जांपल होंगे बट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बट ऐसा हो सकता है, आई एम क्वाइट श्योर ऐसा होगा. ठीक है इशिका. ओके सर. और हो गए कोई और डाउट, कोई और स्पेसिफिक डाउट होगा? चलिए नहीं डाउट तो बहुत अच्छी बात है, आगे बात करेंगे. आगे ग्लैंड्स को मैं और तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूँ, पे अटेंशन. जैसे ग्लैंड्स है ना, मैंने इसको और तरीके से कैसे क्लासिफाई करना है, मैंने ना इनको क्लासिफाई करना है सिलेबस डायग्राम. अ ग्लैंड कैन बी लाइक सी इमेजिन दिस कि ये सारे सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं, इनमें से एक सेल है ये म्यूकस रिलीज कर रहा है. तो सिर्फ ये इकलौता सेल सेक्रेटरी है तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड. ये जहां पर एक एक सेल इंडिपेंडेंटली सेक्रीशन रिलीज कर रहा है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड. जैसे एग्जांपल गॉबलेट सेल्स कहां पर मिलते हैं, जीआई ट्रैक्ट. यहां पर एग्जांपल में और क्या ले सकते हैं आप, एग्जांपल में ले सकते हैं जी सेल्स. ये क्या रिलीज करते हैं, गॉबलेट सेल तो म्यूकस रिलीज करते हैं, गॉबलेट सेल रिलीज करते हैं म्यूकस. ये भी लीजिए म्यूकस. अच्छा जी सेल्स क्या रिलीज करते हैं, जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक हार्मोन ये रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन. ठीक है और कहां रिलीज करते हैं, स्टमक. आपको गैस्ट्रिक से वर्ड यह समझ आ रहा हो कि स्टमक. ये हो गए यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स जहां पे ग्लैंड इकलौता सेल इंडिपेंडेंटली ग्लैंड के काम करते हैं. ओके दूसरा क्या है, दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड. ये बहुत सिंपल है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या है कि एक सेल नहीं है, सेल का गुच्छा है और जब सेक्रीशन की बात आती है तो ये नहीं कि एक सेल सेक्रीशन देगा बाकी नहीं करेंगे, ना 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 ऐसा नहीं है. सारे सेल्स ऑल ऑफ देम दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेक्रीशन, right? All of the cells are participating in the secretion. Clear point. आ रही बात समझ? हाँ. अब आप बोलेंगे सर ये भी तो unicellular हुआ, एक सेल तो कर रहा है, बट मैं कह रहा हूँ ये सेल ऐसे ग्रुप कर रहा है. हाँ आप ये सारे सेल को डालो तो फिर एक सेल कर रहा है, वह ठीक है, लेकिन ये सेल ग्रुप में है और सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इस तरीके के secretion को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बोलते हैं. क्लियर पॉइंट. अच्छा अब आप बोलेंगे सर इसका क्या एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का क्या एग्जाम्पल. तो मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ कोई भी ग्लैंड का नाम लो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से कुछ नाम देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के, एक तो दूर की नजर में कृष्णा तिवारी, मेरी आवाज आ रही है, कृष्णा के नीचे किसका नाम आ रहा है, इशिका राणा. यस सर. इशिका किसी ग्लैंड का नाम बता फटाफट से. पैनक्रियाज.
इट्स अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और नाम बताओ। लीवर। इट्स अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और नाम बताओ। बता बता, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ, यूनिसेलुलर का नाम बताओ, तो मुझे उस ग्लैंड का नाम बताओ। थायराइड ग्लैंड। सर थोड़ा सैड हो जाओ सर, सर लिखना है। थायराइड। और बताओ कौन सा? थायराइड और थायराइड पैरा पैरा मैं सुनाता हूँ, चलो मैं बंद कर लो, मैं इतना सुनाता हूँ। थायराइड पैराथायराइड एड्रिनल लिवर पैनक्रियास पिट्यूटरी, मतलब जितने ग्लैंड तुम्हारे दिमाग में जाएं या जितने ग्लैंड तुम सोच पाओ, ठीक है, वो सारे के सारे मल्टी सारे के सारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, और जो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं वो मैं वो कम है, और वो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखवा दिए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल याद रखने, और मल्टी सेलुलर तो मोस्ट ऑफ द अदर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी ग्लैंड आपके मन में है वो मल्टी सेलुलर, ठीक। ये नहीं कि मन में ले आए सर, मैं तो मन में गैस्ट्रिक सेल्स लेके आया था, या मैं तो मन में गॉबलेट से लेके आया था, ऐसा मन नहीं कर रहा हूँ। तो जनरल आपका मन करे सर, पाइनियल भी? हाँ सब पीनियल भी, ठीक है सब। बोल दिया ना मैंने कि जितने ग्लैंड मैं जानता हूँ तुम लोग क्या जानते हो, आज तक तुमने 10वीं क्लास तक जितने ग्लैंड पढ़े ना, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ग्लैंड। कहानी करो, मिटा दे इसको, आज सिंपल एज दैट। ओके ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो बी क्लासिफाइड, बट ओनली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन थ्री टाइप्स। यस सर। क्या कोई डाउट है? बोलो क्राइम, मीरो क्राइम, एपो क्राइम, मीरो क्राइम। होलो क्राइम में क्या होता है कि मान लीजिए दो सेल है और सेक्रेशन कर रहे हैं, या पूरा ग्लैंड ही है सेक्रेशन कर रहा है, सेक्रेशन में एंटायर सेल पूरा का पूरा सेल एक सेक्रेशन की तरह काम कर रहा है, मतलब पूरा सेल ही रिलीज कर दिया, ये सेल ही मेरा सेक्रेशन है। अगर कोई ग्लैंड ऐसे कर रहा है तो जो सेल्स पूरे सेल को वाला सेक्रेशन देते हैं उसको हम बोलते हैं द होलोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल बहुत सिंपल है, आपके सीबेशियस ग्लैंड, जो सीबेशियस ग्लैंड है वो एंटायर सेल को ही एज अ सेक्रेशन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द होलोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन, एपोक्राइन यही काम करते हैं लेकिन पार्शियल सेल करते हैं, मतलब आधा सेल एज अ सेक्रेशन करते हैं, पार्शियल सेल इज अ सेक्रेशन, तो फिर वो हो जाता है एपोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल इसका भी बड़ा सिंपल सा है, मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो एक्चुअली क्या है, सेल का टुकड़ा है, दैट इज द एपोक्राइन ग्लैंड। अच्छा अगर एक बर्ड की फॉर्म में, किस फॉर्म में, बर्ड की फॉर्म में जैसे सेल है, इसके लिए छोटी सी बर्ड बनी और बर्ड की फॉर्म में सेक्रेशन रिलीज हो गई, ये छोटे वेसिकल की फॉर्म में, आप बोल सकते हैं बर्ड या बोल सकते हैं वेसिकल, जो भी आप बोलना चाहें, इसकी फॉर्म में सेक्रेशन रिलीज हो गई, दैट इज मीरोक्राइन ग्लैंड। अगेन आप जो भी ग्लैंड इन दोनों के अलावा मेनली बॉडी में सोच पाए, दोज कौन से, एक्सोक्राइन लेके, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो आप सोच पाए अपने माइंड के अंदर, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ मीरोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि मोस्ट अदर ग्लैंड्स अपार्ट फ्रॉम मेमोरी एंड सेबेशियस आर द मीरोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, दे आर मीरोक्राइन, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, दे आर योर मीरोक्राइन। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी आप एक्सोक्राइन ग्लैंड सोचें
those are the neurocrine patch without seminal sir ये सब एक मिनट seminal vesicle prostate ये सब आपके neurocrine glands सर जी आप बताइए सर एक बार फिर से बता दीजिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी ओके क्या नाम है सर प्रियांशु सर होलोक्राइन ग्लैंड से यस कहाँ से होलोक्राइन ग्लैंड से यस बेटा अब मैं आपको 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 एक छोटे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है कि क्योंकि हम शुरू में पढ़ रहे थे हम आराम से बहुत स्लोली पढ़ रहे थे ठीक है ना और अब काफी ज्यादा हम एक दूसरे की बातें समझने लगे मैं आपके डाउट समझने लगे हूँ और आप भी मेरी बात क्लियर समझ पा रहे हैं तो क्योंकि अब हम लोग के अंदर एक बॉन्डिंग और एक जलिंग अप एक तरीके का हो गया तो इट्स टाइम कि मैं जो पहले मैं बहुत स्लो चला हूं अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए कि मैं आपको ग्लैंड्स जो पढ़ा रहा हूं आपको मैंने इसमें कम से कम 3 बार बोर्ड अप कर दिया कम से कम मैंने आपको 4 से 5 बातें बताई हैं है ना अभी एक 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 बात और बताऊंगा और आपके एनसीईआरटी में दी हुई है 4 लाइनें तो पॉइंट है कि एनसीईआरटी में दिए 4 लाइनें और मैंने 4 बार बोर्ड मिटा दिया तो मतलब मैं आपको ओवरऑल जितना कॉन्सेप्ट मेरे पास है जितना इम्पोर्टेंट है हर प्रोस्पेक्टिव से नीड के मैं वो दे रहा हूँ मतलब मैं आपको काफी एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ तो अब ये काफी एक्स्ट्रा मैं आपको उतने ही टाइम लिमिट में तभी तभी दे पाऊंगा जब हम थोड़ा सा क्विकली और फास्ट चलेंगे ठीक है तो अभी तो मैं आपको बता देता हूँ प्रियांशु लेकिन आप सब लोग अभी बात ध्यान रखो कि अगली बार से अगर आपका डिस्कनेक्शन होता है या कुछ इश्यू आपके तरफ से आता है जो सब स्टूडेंट्स का नहीं है ठीक है तो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा आप लोगों को आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो इसलिए होती है कि अगर आपको कोई मिस हो जाता है आप टाइम नोट कीजिए और वो रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वैसे स्पीड स्लो हो सक रही है और अगर आप ज्यादा स्लो गए फिर आपका सिलेबस एक्चुअली पूरा नहीं हो पाएगा प्रॉपरली क्यों उसका रीजन बताता हूँ अगेन ये बात मेरे ध्यान से सुन लीजिए आपके 11th का सिलेबस 12th के सिलेबस से काफी ज्यादा है ठीक है ना आपके 11th में 3 फेज है फेज 1 फेज 2 फेज 3 12th में 2 ही है ठीक है 12th का सिलेबस अक्टूबर तक मैक्सिमम खत्म हो जाता है मैक्सिमम अक्टूबर ठीक है और 11th का सिलेबस इट टेक्स प्रेटी मच टाइम और बहुत चैप्टर्स है पढ़ने वाले ठीक है अभी हमारे इसी फेज के 2 चैप्टर्स बाकी हैं बायो मॉलिक्यूल्स और सेल ठीक है तो अगली बार से आप लोग ध्यान रखें कि अगर एनीबॉडी गेट्स लॉस्ट और सिग्नल किसी का लॉस हो जाता है और किसी का कुछ इशू आता है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग में देखें आई विल नॉट रिपीट और अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर रिपीट कर दो तो मेरी एक आदत है आई डोंट से नो ठीक है तो मैं कर दूंगा आई विल रिपीट व्हेनेवर यू से कि सर रिपीट कर दो आई विल रिपीट बट आई वॉन्ट यू टू नॉट आस्क मी बिकॉज आई एम वेरी पुअर एट सेइंग नो ठीक है ओके तो मैं फटाफट से बता देता होलोक्राइन एपोक्राइन न्यूरोक्राइन बाकी ऊपर रिवाइज हो जाएगा होलो कंप्लीट सेल एज अ सेक्रेशन एपो पार्शियल सेल एज अ सेक्रेशन आधा सेल सेक्रेशन की तरह दे दिया दैट इज एपो और बड की फॉर्म में सेक्रेशन दिया तो न्यूरोक्राइन ग्लैंड्स और ये तीनों एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के हैं और इसमें जो एग्जांपल है होलो में वो सेबेशियस है जो एपोक्राइन में है वो मेमोरी ग्लैंड्स है और जो न्यूरोक्राइन में है वो आपके अदर ग्लैंड है मतलब मेजरली ग्लैंड आपको कौन से न्यूरोक्राइन अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सर सर एपोक्राइन में भी हमने जैसे आधा सेल सिक्रीशन के रूप में दिया है तो फिर उसमें क्या मतलब उसमें भी मतलब कैसे कैसे हुआ है उसमें सिक्रीशन मैंने आधा बोला आधा आधा और वेसिकल में फर्क होता है मैं तुम्हारी आधी बॉडी काट दूं और तुम्हारा तुम्हारी एक फिंसी है ना तुम्हारी बॉडी की एक फिंसियां फोड़ा निकल आया वो बर्ड है समझ रहे हो और आधा सेल तो आधी बॉडी होगी ना गेटिंग अ पॉइंट उसमें तो ऑर्गन वर्गन बहुत सारी चीजें आ गई ना Next we have
अटेंशन एवरीबॉडी, अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, एक और आइडिया दे रहा, ये एक सिर्फ जनरल आइडिया है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। आपने समझना है कि आपका ग्लैंड एक और तरीके से हो सकता है शेप के ऊपर, हो सकता है ग्लैंड ऐसा हो, मतलब का एल्वियोलाई के शेप, ठीक है ना, उसको आप क्या बोल देंगे, एल्वियोलर ग्लैंड, एल्वियोलर। तो सभी आपको ये टर्म आ जाए तो ये मैं क्या आपको क्यों बताऊं, कभी पढ़ते पढ़ते को टर्म आ जाए कि दिस ग्लैंड इज अ एल्वियोलर ग्लैंड, या एग्जांपल लेते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स आर लाइक कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां एल्वियोलर का मतलब है कि वो जो पार्ट सेक्रेशन कर रहा है वो एल्वियोलाई के शेप का, ठीक है ना, या सैक की शेप का, तो सैक्युलर भी बोलते हैं, ठीक है। और मल्टी या कंपाउंड हम तब बोलेंगे, ठीक है ना, जब सेक्रेशन में मल्टीपल ब्रांचेस होंगे, तो इस तरीके से ब्रांचेस बहुत ज्यादा है और फिर ये इस तरीके के ग्लैंड बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो ये कैसा हो गया, इट इज अ मल्टी या आप बोलते कंपाउंड एल्वियुलर ग्लैंड, फेयर पॉइंट। और अगर एक ही स्ट्रक्चर है तो सिंपल एल्वियुलर ग्लैंड, जैसे आपका सिंपल एपिथेलिया और कंपाउंड एपिथेलिया होता है, तो सिंपल एल्वियुलर या कंपाउंड एल्वियुलर, ऐसे टर्म्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, ये बस एक जनरल आइडिया है, ठीक है, इसकी डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आता, ये आपको सिर्फ बायोलॉजी की जब आप किताब पढ़े तो आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ उसको बताने के। दूसरा क्या है, सेक्रीशन ट्यूब जैसी हो सकती है, जो सेक्रीशन हो रही है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कर रहा है, तो अगर ट्यूब लाइक करेगा तो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ट्यूबुलर बोल देंगे, ट्यूबुलर, ठीक है, अगेन इसमें भी सिंपल ट्यूबुलर या कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। इसमें एक और वैरायटी है, सिंपल और कंपाउंड ट्यूबुलर के अलावा एक और वैरायटी आ जाती है, ये तो कंपाउंड ट्यूबुलर, एक और वैरायटी आ जाती है अच्छा एक और वैरायटी क्या आती है, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे ग्लैंड घूम जाता है, ये हो जाता है कॉइल्ड ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब ही है, सेक्रीशन ट्यूब ही कर रही है लेकिन वो कॉइल्ड है, तो कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। तो मैं तो कहने का मतलब ये कि ग्लैंड ट्यूब जैसा हो सकता है, ग्लैंड एल्वियोलाई जैसा भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट एल्वियोलाई और ट्यूबुलर काइंड ऑफ ग्लैंड के। किसी को कोई डाउट, ओके अब एक और टर्म आ सकती है, अब टर्म क्या आ रही है, इंटरेस्टिंग है, आधा पार्ट ट्यूबुलर है आधा पार्ट एल्वियोलर है, तो एक ही ग्लैंड में ट्यूबुलर पार्ट भी सेक्रेटरी है एल्वियोलर पार्ट भी सेक्रेटरी है, अब क्या बोलोगे, अब नाम को जोड़ दोगे, ठीक है ना, अब नाम को कैसे जोड़ेंगे, जैसे ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड, ट्यूब भी आ गया एल्वियोलाई भी आ गई, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड, कहानी आई सपोज इट्स क्लियर। व्हेन इट्स क्लियर वी विल मूव फर्दर, तो ये बात सारी ग्लैंड की हो गई, ठीक है ना, तो मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूँ, क्विक रिवीजन, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको एंडोक्राइन पढ़ाया, एक्सोक्राइन पढ़ाया, राइट, फिर मैंने आपको यूनिसेलुलर पढ़ाया, मल्टीसेलुलर पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उनकी तीन क्लासिफिकेशन है, होलो, एपो, मीरो, और फिर मैंने आपको शेप के ऊपर बताया, द ग्लैंड कैन बी ऑल्सो एल्वियोलर एंड ट्यूबुलर, जस्ट इन केस यू आर रीडिंग अ बुक ऑफ बायोलॉजी तो आपको कभी ये टर्म आ जाए तो आपको पता, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट कैन वी टॉक अबाउट द ग्लैंड। अब जो हमें एक बात करनी है, ये इंटरेस्टिंग है, ये हमें डक्ट्स की बात करनी है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट डक्ट्स।
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ये है, जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है या द एपिथेलिया विच इज एक्चुअली सेक्रेटरी दैट इज इधर की बॉडी और कॉलमनर, दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइट नाउ. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज व्हाट द डॉक्टर. ओके, ग्लैंड इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलिया. द क्वेश्चन इज व्हाट इज डक्ट मेड अप ऑफ. नाउ डक्ट इज आल्सो मेनली मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलिया, बट सम डक्ट्स देयर इज एन एक्सेप्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल द पैनक्रियास डक्ट एंड द कैरोटिड डक्ट. ओके, एंड पैरोटिड सलाइवरी डक्ट. These are the exceptions which are not made up of simple epithelia. These are made up of compound epithelia. That is something which is written in NCERT, but kind of you can say it is kind of hidden. Okay, so it is kind of hidden in NCERT. If you read NCERT very, very carefully, only then you will see that in NCERT it's very clearly written that most of the ducts are made up of cuboidal and columnar epithelia only, simple epithelia only, except the pancreatic and salivary ducts. So I'm telling you which of them, the pancreatic one and the parotid salivary duct, are actually made up of compound epithelia. I suppose there is no doubt in this. Clear? Okay. So glands are the secretory parts and ducts are the transporting parts. And ducts can open directly on the substrate. Example, the digestive ducts like salivary duct and pancreatic duct, hepatic duct, they all open directly on the food. Whereas some ducts can open outside. That example, lactiferous duct, that is the duct of mammary gland. And let's say sebaceous duct, that is the secretion of the oil, and the sudoriferous duct, the duct of the this sweat glands. So ducts can open outside, ducts can open directly on the substrate. That's all about the ducts. So I'm just erasing this and moving towards the next topic, that is compound epithelia. Now talking about the compound epithelium, we have two kinds of compound epithelium. One transition. And two, stratified. What is the difference? Difference is in transition epithelia, we have हमारे पास ज्यादा लेयर्स नहीं होती. एक लेयर हुई, मतलब कि ये मैंने एक लेयर बनाई, दो लेयर बनाई, सर दो लेयर बने, तीन बने, चार बने, तीन चार लेयर बने, टॉप पे बनाती बड़े बड़े सेल्स. ओके, सो दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलिया व्हिच हैव लेस लेयर्स. नाउ व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रांजिशनल एपिथेलिया, टेल यू, दिस इज स्ट्रेचेबल, इट कैन बी स्ट्रेच, इसको खींच दीजिए और जब आप इसको खींच लेंगे एक्सटेंड कर जाएगा और काफी पतला नजर आएगा. देख रहे हैं ये खींचने की क्षमता रखता है, मतलब ये अपनी फेज चेंज करता है, फेजेस में ट्रांजिस्ट करता है, ट्रांजिट करता है, हेंस वी नोन एज ट्रांजिशन एपिथेलियम. क्लियर पॉइंट? तो मोटा होता है, खींच के पतला हो जाता है, ठीक है ना. तो ये जो फीचर है ये खास ट्रांजिशन एपिथेलिया का है. और इसका एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग,
या आपको मिलेगा एक यूरेटरी और एक अगेन यूरिनरी ब्लैडर। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि आपकी जो किडनीज है किडनीज यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। किडनी का जो फिल्टर है जिसको आप यूरिन कह रहे हैं वो किडनी से होके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक, तो किडनी का वो पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है उसको हम यूरेटर बोलते हैं, और ऑफकोर्स जहां वो यूरिन स्टोर हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लैडर बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर और यूरेटर दोनों ही कैसे बनी हुई है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया से बनी हुई है। अगला स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि मल्टीपल लेयर्स बहुत सारे, कोई स्ट्रेचिबिलिटी वेचेबिलिटी नहीं है, बस बहुत सारे लेयर। लेयर्स कॉलमनार क्यूबॉइडल किसी भी तरीके की हो सकती है, मोस्टली क्यूबॉइडल रहती है, स्क्वामस की भी हो जाती है, लेकिन मेन ये टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, पहली चीज इसका टाइप विल डिसाइड कि इसको मैं क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉप मोस्ट लेयर स्क्वामस की है तो आई कॉल इट स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। इफ टॉप मोस्ट लेयर इज कंपाउंड सॉरी इज क्यूबॉइडल आई कॉल इट क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, इफ इट्स कॉलमनार आई कॉल इट कॉलमनार स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। क्लियर, जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है वो पाया जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। Stratified squamous is a very common epithelia which is found in the case of stratified epithelia. अब ये भी आपको दो तरीके का पाया जाएगा, एक जहां topmost layer dead होगी, जब topmost layer dead होगी तो उसमें creatine protein का amount बहुत ज्यादा होता है, increase करने लग जाता है, fibrosis हुआ होता है, तो I call it creatine cyst। तो उसके prefix में शुरुआत में क्रेटिनाइज लग जाता है, क्या बोलते हैं, क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, ये नाम लगा। और लेट से कि लेयर डेड नहीं है, लेयर डेड नहीं है, ठीक है, नॉन डेड लेयर टॉप मोस्ट लेयर, तो फिर हम बोलते हैं उसे नॉन क्रेटिनाइज। ठीक है, क्लियर, तो नाम क्या हो जाएगा, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। अब जो क्रिएटिन प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन है, बड़ा ही ड्राई प्रोटीन है, बड़ा ही ड्राई प्रोटीन है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएटिन प्रोटीन, अपने नाखून देखिए, बड़े ड्राई से है, दैट इज क्रिएटिन प्रोटीन। अपना नाखून रख दीजिए, मतलब ठीक है ना, आप नाखून के ऊपर एक पानी की ड्रॉप डालिए, क्या वो पानी की ड्रॉप नीचे पहुंच जाएगी, लड़कियों को ज्यादा बेटर क्लियर होगा, लड़कियों के नाखून बहुत बड़े होते हैं कईयों के, तो जिन लड़कियों के नाखून बड़े हैं वो ट्राई करें इस बात को कि नाखून बड़ा है, लंबा है, नाखून के ऊपर पानी डाला तो क्या वो पानी नीचे पहुंच गया, नहीं, मतलब जो केराटिन प्रोटीन है वो इम्परवियस टू वाटर। ठीक है, सेम चीज बालों के साथ भी है, ठीक है, आप बात रखिए, ठीक है, बालों का पूरा ग्रुप झुंड बनाएंगे, हेयर हेयर भी केराटिन से बने होते हैं, ऊपर पानी डालिए वो पानी नीचे नहीं पहुंचेगा, मतलब कि जो बाल है उसमें भी केराटिन प्रोटीन है वो इम्पर्वियस टू वाटर रहता है। तो पॉइंट ये है कि जो ड्राई सरफेस जो ड्राई है वहां पे कौन सा मिलेगा, स्ट्रैटिफाइड सॉरी केराटिनाइज वाला मिलेगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, और जो सरफेस वेट है वहां मिलेगा कौन सा वाला, नॉन स्ट्रैटिफाइड वाला। अब एक और कॉन्सेप्ट, सवाल ये कि स्ट्रैटिफाइड क्यों, व्हाई डू वी नीड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। देखिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया मेनली आपके प्रोटेक्शन के लिए, वियर एंड टियर के लिए। बचपन में आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा जो होता है ओल्ड पर्सन, वो मरने वाला होता है तो अपने बच्चों को वो यूनिटी यूनिटी में स्ट्रेंथ है वो सिखाने के लिए, है ना,
एकता में बल है, ठीक है, वो सिखाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता है। पहले एक लकड़ी लाता है टूट जाती है, फिर दो लकड़ी लाता है, बच्चों को बोलता है तोड़ो, तोड़ देते हैं, फिर पूरा लकड़ी का गंड पूरा लकड़ी का बंडल आता है, बोलता तोड़ो, नहीं तोड़ पाते। तो जिससे ये सीख मिलती है, मोर ऑफ द स्टोरीज, आई एम वेरी पुअर एट टेलिंग स्टोरीज लाइक दैट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कभी आपको मुझसे कहानी सुनने तो आराम से सुनेगा, आई एम गुड एट दैट, बट इन अ शॉर्ट टाइम आई एम वेरी पुअर। तो बस आपको बस याद दिला रहा हूँ उस स्टोरी को, याद दिला कि जब मल्टीपल लकड़ियां होती हैं तो वो टूटते नहीं है। तो सेम जब मल्टीपल लेयर्स होंगे ना तो प्रोटेक्शन मिलेगा। कैसा प्रोटेक्शन? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिजिकल या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन क्या होता है? फिजिकल प्रोटेक्शन क्या है? जोर लगा टूटा नहीं। और मैकेनिकल जो उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोटेक्शन। बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन क्या है कि मान लो बैक्टीरिया है ना, तो पैथोजन है, एक उसको एक लेयर डिग्रेड करके अंदर आना है, एक उसको बहुत सारी लेयर डिग्रेड करके अंदर आना है। तो अगर आप बैक्टीरिया होते क्या परफेक्ट है, एक लेयर है, तो मल्टीपल लेयर गिव अस प्रोटेक्शन, बोथ बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। सब लोग मैकेनिकल की बात करेंगे, बायोलॉजिकल को ही बताया था। तो ये जो बात मैंने स्ट्रेंथ की बात करी या प्रोटेक्शन की बात करी, ये आपको स्किन दे रही, आपकी स्किन, ठीक है ना, खरीदी इसको। ये खैर आज तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब कि दोपहर में ही नहाया तो ऐसे आ नहीं रहा, लेकिन जब आपको मान लीजिए 24 घंटे हो जाएंगे नहाए हुए तो आप स्किन को खरीदेंगे तो आपकी स्किन से वाइट वाइट स्ट्रक्चर नजर आएगा। पता है क्या है वो वही क्रिएटिन प्रोटीन है, वो डेड सेल्स है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो वो डेड सेल्स है, वो क्रिएटिन प्रोटीन से बने हुए। तो आपके टॉप मोस्ट लेवल की जो स्किन होती है ना, वो आपकी कैसी होती है, मतलब क्या स्किन है, दैट इज व्हाट the dry one, the keratinized stratified squamous epithelium का example है आपकी स्किन, ठीक है, clear? अच्छा, आप जब रोज नहाते हो आप यही करते हो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोज क्यों नहाना चाहिए, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मैं रोज नहीं नहाता था, बट जैसे मैंने बायोलॉजी सीखना शुरू किया मुझे रियलाइज हुआ कि रोज क्यों नहीं नहाना, क्यों नहाना चाहिए। देखिए रोज नहाने का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मेरी बात ध्यान सुनेगा। जब आप नहाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी से नहाते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है, हालांकि स्टिल ओके, बट यू शुड ऑलवेज यूज सोप। आई टेल यू व्हाई, एक्चुअली जब आप नहा रहे हो व्हाट यू डू इज यू यूज सोप एंड यू क्लीन योर बॉडी। और सोप से जो झाग बन रहा है, जो चीजें बन रही है, उससे एक्चुअली आपकी स्किन की डेड लेयर है ना, वो रिमूव हो रही है। आपकी स्किन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में बहुत सारी सेल्स डेड हो जाते हैं, बहुत सारे डेड लेयर एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो डेड स्किन को हटाने के लिए आप नहाते हैं, ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में? इसलिए बार बार नहाना भी रिकमेंडेड नहीं, कह लो क्या दिन में 3 बार नहाओ, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना आपने, मैक्सिमम 2 बार, दैट्स मोर देन एनफ, यानी कि बस गर्मी आई है तो पानी के अंदर घुसे हुए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो नहाने से आपकी जो स्किन के जो डेड स्किन है, ठीक है ना, वो क्या हो रही है, रिमूव हो रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि डेड स्किन नहीं भी रिमूव होगी तो क्या होगा, डेड स्किन जब रिमूव नहीं होती ना तो क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर अगर डेड स्किन डेवलप हो गई तो वो डेड स्किन क्या है, वो तो सेल्स ही हैं। अब वो सेल आपके तो किस काम के नहीं, बैक्टीरिया के बहुत काम, बैक्टीरिया आके बैठ जाएगा, बैठ के खाए, तो ये तो अच्छी बात है। हम वैसे भी बचा हुआ खाना गाय को कुत्ते को बाकी लोगों को खिलाते हैं, या अगर थोड़ा ठीक ठाक हो तो हम बना के गरीबों को भी खिलाते हैं, तो खाना खिलाना तो अच्छी बात है, बैक्टीरिया को भी खाना कोई बुरा नहीं, बैक्टीरिया खाना खाए नॉट ए इशू। लेकिन जब बैक्टीरिया खाना खाता है और वहां पर रहता है तो वो बैक्टीरिया कई फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब वो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा तो वो जो फाउल ऑर्डर है, ठीक है, वो जो एसिड्स हैं या वो केमिकल्स जो हैं, वो आपकी या तो स्किन को डिग्रेड करेंगे, बाद में आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, या वो जो फाउल ऑर्डर है या वो फाउल केमिकल्स है वो एक बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। इसलिए काफी दिन ना आने से आपसे क्या आएगी, स्मेल आएगी, बैड ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो उस बैड ऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, उस बैक्टीरिया का खाना हटा देने के लिए, देखो नहीं ना रहेगा खाना ना आएगा आपके लिए। तो यही आप कर रहे हो जब आप नहा रहे हो, और ये सेम चीज आप कर रहे हो जब आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है ना। व्हाई ब्रशिंग एट नाइट इज इंपॉर्टेंट बिफोर स्लीप, क्यों, आपने जो खाया अब क्या हुआ,
कि वो जमा हो जाएगा दांत के ऊपर, टीथ के ऊपर वो खाना जमा हो जाएगा, ठीक है ना। अब होगा कुछ नहीं, वहां बैक्टीरिया आ जाएगा, पूरी रात वहां पे अपना अपना एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके केमिकल प्रोड्यूस करेगा। वो केमिकल्स एक तो बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा वो केमिकल्स आपके दांतों को डिग्रेड करेंगे, ठीक है। बहुत स्लो डिग्रेडेशन होता है, अभी तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन 20 साल 25 साल वो डिग्रेडेशन कंटिन्यूसली चलता रहा तो वो फिर वो दांत धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, वो पूरा बक्कल कैविटी सड़ने लगेगा, फिर माउथ का बैड ऑर्डर आने लगेगा, ठीक है। और फिर आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो जाएगा, और जब आप एक ग्रो कर रहे हो एक, है ना, एक यंग पर्सन में तो अच्छा नहीं लगता, इट्स वेरी बैड इफ यू हैव अ बैड ऑर्डर, ठीक है। तो इसलिए यू नीड टू ब्रश योर टीथ, एंड मोर देन इंपॉर्टेंट ब्रशिंग योर टीथ इज जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ जमा है, सबसे ज्यादा खाना कहाँ जाए, जब मैं खाना खाया तो सबसे ज्यादा खाना कहाँ चिपक गया, जहाँ म्यूकस ज्यादा है, और सबसे ज्यादा म्यूकस कहाँ पे, चिपचिपापन सबसे ज्यादा कहाँ पे, आपकी टंग के ऊपर है। तो क्योंकि आपकी टंग के ऊपर सबसे ज्यादा म्यूकस है, चिपचिपापन है, तो सारा बैक्टीरिया तो वहीं पर जमा है, सॉरी सारा फूड तो वहीं पर जमा है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ आएगा, आपकी टंग पे आएगा। तो अनदर मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज दे जस्ट क्लीन देयर टीथ, नेवर एवर क्लीन देयर टंग। सो टीथ क्लीन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टंग क्लीन करना है, क्योंकि टंग पे म्यूकस ज्यादा है, टंग पे खाना ज्यादा जमा है, और टंग पे खाना ज्यादा जमा है तो बैक्टीरिया भी ज्यादा आएगा और बैड ऑर्डर टंग की वजह से ज्यादा आएगा। आप टंग क्लीन कीजिए, आप फिर टीथ भी क्लीन कीजिए, और तो ही आप सोइए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पूरी रात बैक्टीरिया आपके दांतों को खराब करे, राइट। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि डेड लेयर आपकी स्किन की आपको प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है ना। आपकी स्किन को आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, कोई भी पैथोजन आता है तो आपकी सबसे पहले आपकी स्किन को डिग्रेड करके तो एकदम अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो स्किन कौन सा वाला है, दी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक। लेकिन कौन सा वाला है, वेट है आपका बकल कैविटी, तो कौन सा वाला है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब आपने क्लास नाइन्थ में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, टूथपिक ली होगी, टूथपिक ली के अंदर बकल कैविटी को खुरेदा होगा, खुरेद के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो देखना 11th क्लास की बुक में भी है। अब खुरेद के जब आप हमें बकल कैविटी को अंदर से खुरेद के माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा स्क्वामस एपिथेलियम। क्यों, अच्छा कौन सा नजर आएगा, सिंपल वाला, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ टॉप लेयर खुरेदी है ना, टॉप लेयर को सिर्फ सिंपल स्क्वामस की है, तो आपको सिंपल स्क्वामस नजर आता है, लेकिन वो सिंपल स्क्वामस नहीं है। अगर आप पूरा मोटा हिस्सा निकालते बकल कैविटी का तो आपको स्क्वामस और नीचे और भी लेयर्स नजर आते, वो स्ट्रेटिफाइड, और टॉप लेयर कैसी है, स्क्वामस है, इसलिए आपको स्क्वामस लगता है। तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेजाइनल एपिथेलिया। जो वेजाइनल एपिथेलिया है वो कौन सा है, वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, एंड अगेन वेजाइनल रीजन इज अ काइंड ऑफ अ मॉइस्ट रीजन, तो वहां पे कौन सा वाला हो जाता है, अगेन नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया हो जाता है वेजाइनल रीजन, ठीक है। वहां पे वो मैकेनिकल देखिए प्रोटेक्शन कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कॉइटस है जिसको हम सेक्सुअल इंटरकॉर्स बोलते हैं, ठीक है ना, वो जो एक्ट है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल एक्ट, जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स इन्वॉल्व है, और उस फोर्स की वजह से देयर कैन बी अ वियर एंड टियर इन द वेजाइनल टिश्यूज। तो उस फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, वियर एंड टियर को प्रिवेंट करने के लिए जो एपिथीलिया कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, और प्लस वो क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग एक ओपनिंग भी है जहां से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, वायरस एंटर कर सकता है, तो वो ताकि लेयर को डिग्रेड करके अंदर ना आए ब्लड के पास, उसके लिए भी इट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। आई सपोज आपको एग्जांपल दोनों क्लियर है, बकल कैविटी वेजाइनल एपिथेलिया यहां जाएगा और स्किन वाला एग्जांपल यहां जाएगा, तो दैट इज ऑल अबाउट द कंपाउंड एपिथेलिया। अब किसी को डाउट है, कोई डाउट पूछ रहा था मुझसे, अब नहीं है कोई डाउट, क्लियर हो गया, कोई कुछ कह रहा था ना, कौन कुछ कह रहा था, सर मैं कह रहा था
क्या कह रहे थे, क्लियर हो गया? सर थोड़ा ही क्लियर, सर कंफ्यूज हूँ बस थोड़ा। बताओ सर, जब हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं तो स्किन की डेड लेयर रिमूव हो जाती है? नहीं नहीं स्किन को मॉइस्चराइज करना अलग कॉन्सेप्ट है। स्किन को मॉइस्चराइज कैसे करते हो पहले ये बताओ सर, या फिर नहाकर या फिर ये नहाकर कौन सी स्किन मॉइस्चराइज होती है भाई? सर नहीं सर, मॉइस्चराइजर को स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती, पहले तो ये बता दो, मॉइस्चराइजर लगाने से मॉइस्चराइज होती है? यस सर। देखा कभी मॉइस्चराइजर? यस सर, स्किन पे लगाते हैं। कैसा होता है सर? कैसा मतलब? कैसा कभी निकाल के देखा किस तरीके का होता है? सर जैसे वैसलीन हो गया, ये मॉइस्चराइजर ही तो है। वैसलीन? वैस ना, अब तुम एकदम लाइन पे आए। वैसलीन मॉइस्चराइजर है ना, बहुत ही बढ़िया बात करी तुमने। इशिका इशिका इज नॉट आंसरिंग। एनी अदर? दिस कैन बी आंसर्ड ओनली बाय सम गर्ल स्टूडेंट हु नोज इट बेटर। Anybody who uses moisturizer very frequently? कोई है क्लास में जो मॉइस्चराइजर जो फ्रीक्वेंटली यूज करता हो? कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करता? बताओ, ये बात करने में भी इनको वो है। मैं बता, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात करी है प्रियांशु ने कि मॉइस्चराइजर क्या कर रहा है। देखिए उसने फिर ये बोला कि वैसलीन एक मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वैसलीन। अच्छा प्रियांशु एक और बात बताओ। यस सर। वैसलीन ऑयली होती है? यस सर, लिक्विड जैसा थोड़ा होता है टेक्सचर। हाँ मतलब चिपचिपी होती है ना काफी? यस सर। यस सर, अरे गाल पे लगाने गाल चिपचिप हो जाएंगे ना। ओके यस सर। वो गूगली बुगली बुश वैसलीन की ऐड आती थी, किसकी आती थी? गूगली बुगली बुश, पता नहीं सर। अच्छा क्या छोड़ो तो अब ये बताओ कि लीफ लीफ जानते हो, लीफ पत्ती जैसे पत्ती? हाँ पत्ती के ऊपर भी ऑयली सेक्रेशंस रिलीज होती हैं? हाँ यस सर। क्यूटिकल, क्यूटिकल बोलते हैं है ना, क्या करता है वो? सर इट प्रिवेंट्स द वाटर इनसाइड द लीफ टू गो आउट। आवाज आ गई तुमको? जब से चार बार इसी का बोला था। हाँ सर, पहले नहीं आ रही थी, सब मेरी जान ही रही थी पहले। तुम्हारा माइक ही नहीं ऑन हुआ, जान रही तो दूसरी बात, जहां से माइक ऑन होता ना तो मुझे नजर आता माइक ऑन। कनेक्शन लूज था। ठीक है मान ली तुम्हारी बात, मैम ये तो फायदा है ना ऑनलाइन क्लास का, तुम जो भी बोलोगे मुझे मानना पड़ेगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन। हाँ प्रियांशु। अरे सर सच में लूज था। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि आई एम एग्रीइंग एट एनी, आई एग्री एट व्हाटएवर यू से। आप स्टूडेंट्स इस वक्त कुछ भी बोलोगे ना, तुम लोग इस वक्त कुछ भी बोलोगे, आई हैव टू एग्री ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी ईशिका जी, क्या कह रही थी आप? सर मैं कह रही थी क्यूटिकल लीफ के अंदर वाला जो पानी होता है उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो प्रियांशु कॉन्सेप्ट ना यही है कि जो मॉइस्चराइजर है ना या वैसलीन, अगर आप लीफ पे वैसलीन लगा दो तो लीफ से ट्रांसपिरेशन नहीं होता, दैट इज द वाटर लॉस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ नहीं होता।
आपकी स्किन से भी ना वाटर लॉस होता है, ठीक है? तो वैसलीन या ये सब क्या क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्किन का जो वाटर है उसको लॉस होने से बचा रहे हैं। आपकी स्किन में वाटर ऐड नहीं कर रहे, नॉट एडिंग वाटर टू योर स्किन, इट इज जस्ट प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्किन, जिससे आपकी स्किन का पानी आपके स्किन पर आएगा, जिसकी वजह से आपके स्किन के जो सेल्स हैं वो ड्राइनेस की वजह से डेड नहीं होंगे, मतलब जब उनको पानी वानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज प्रेजेंट। गॉट इट प्रियांशु? सर प्रियांशु भाई आवाज नहीं? हाँ बोलो सर। जो सुन रहा है प्रियांशु? सर मैं शुभम बोल रहा हूँ। एक जना करके बोलो, देखो जब दूसरा कोई बोले तो एक जना माइक बंद कर लो, एक जना बोलो फिर मिक्स होती आवाज, दोनों ने बंद कर लिया। बोलू सर? हाँ शुभम बोलेगा, प्रियांशु 2 मिनट चुप रहेगा। हाँ प्रियांशु शुभम। सर जो फिर पाउडर होता है वो भी तो फिर ऐसी काम करता है जो हम गर्मी में लगाते हैं पाउडर, वो कैसे काम करता है फिर? वो तो आपके पोर्स बंद कर रहा है पाउडर, तो आपके जो पाउडर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, देखो वो पाउडर अलग अलग तरीके के मॉडिफाइज होते हैं, कुछ पाउडर में एंटी फंगल कॉम्पोनेंट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट्स हैं, तो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं जिससे बैड ऑर्डर नहीं आ रहा। पाउडर आपके पोर्स को भी बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? पोर्स को बंद करने से वो जो आपका वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, अगर आपको अगेन आपको एक कूलिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल है जो आपके सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द कूलिंग इफेक्ट। तो वो तो आपके पाउडर टू पाउडर वेरी करेगा कि कौन सा पाउडर आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप खुशबू के लिए लगा रहे हो, आप एंटी बैक्टीरियल फंगल की तरह लगा रहे हो, या आप अपने मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए लगा रहे हो, तो वो तो पाउडर टू पाउडर वेरी करता है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस किस में? सर ये जो मॉइस्चराइजर्स और अरे पाउडर्स दोनों में अंतर, अंतर अंतर बस दोनों के कॉम्पोजिशन में है भाई, एक वही काम एक लेयर बना के कर रहा है, एक में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो इंडिविजुअल पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है। और आई सपोज इस मामले में देखा जाए तो मॉइस्चराइजर इज बेटर देन पाउडर, क्योंकि पाउडर तो आपके ओपनिंग्स को ब्लॉक कर दे तो हवा भी नहीं आएगी ना, ठीक है? और सर जो फिर मॉइस्चराइजर होता है वो भी तो उसके ऊपर एक मतलब लेयर सी बना रहा है, उससे भी थोड़ा ना हवा आएगी अंदर। ऑयल क्लियर बनाएगा लेकिन गैसेस डिफ्यूज कर देंगे ना, गैसेस डिफ्यूज कर सकती है, ठीक है ना? वाटर अच्छा, तो हाँ। हाइड्रोफोबिक हो गया ना, हाइड्रोफिलिक हो गया ना, और लिपिड वो हाइड्रोफोबिक हो गया, तो वहां वाटर मूवमेंट नहीं होगी, इतना एयर की मूवमेंट रहेगी, तो पोर्स बंद नहीं कर रहा, तो स्टिल बेटर है। बट पाउडर पाउडर आई सपोज अलग अलग एक्शन के ऊपर, मतलब आपकी चॉइस के ऊपर, अगर आपको क्या यूज करना है डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बस इतना समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है मॉइस्चराइजर, ठीक है ना? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। अच्छा मॉइस्चराइजर से मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आया, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी सुनिएगा। आपकी जो आई है ना आई, ठीक है, आपकी आंखें, आपकी आई में एक हर बार ना मॉइस्चर रिलीज होता है, ठीक है ना? तो मॉइस्चर तो आपकी आई में लैक्रिमल ग्लैंड रिलीज कर रहा है जो टीयर रिलीज करता है, टीयर में बस वो मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, नॉर्मली वो थोड़ा कम रहता है। तो आपकी आई में मॉइस्चर रिलीज होता है, यहाँ नाक के पास ग्लैंड रहता है, नाक से वो ओपनिंग आके एक यहाँ पर आई के अंदर आ रही है, मतलब एक ओपनिंग नाक से चलेगी नीचे नाक के अंदर और एक नाक से यहाँ पे आई के अंदर आ गई, तो उससे आपकी आंखें गीली रहती है। अब आपकी आई भी ना ड्राई हो सकती है, सूख सकती है, लेकिन आपका एक और ग्लैंड है यहाँ पे मेबोनियन ग्लैंड, वो मेबोनियन ग्लैंड, अगेन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये लैक्रिमल और मेबोनियन दोनों एक्सोक्राइन हो गए, राइट, दोनों सेक्रेशन बाहर दे रहे हैं, तो एक हो गया टीयर ग्लैंड। अब एक है मेबोनियन, मेबोनियन क्या करता है, अगेन आंखों का जो पानी है ना उसके ऊपर एक ऑयल की फिल्म बना देता है मेबोनियन, अब वो फिल्म जब ऑयल की बना देता है ना तो जो पानी है आंखों का वो लॉस नहीं होता, तो आंखें हमेशा वेट रहती, हल्की वेट रहती, ठीक है ना? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जहां भी हम पानी को लॉस बताना चाहते हैं ना ऑयल बना देते हैं, ऑयल के लिए लगा दो बेस्ट है, पानी नहीं उड़ेगा, ठीक है? बालों में भी तेल लगाते हो, स्कैल्प ऑयल लगा देते हो, स्कैल्प में वाटर रहते हैं, स्कैल्प के सेल्स डेड नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, है ना? और ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुम्हें और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर तो चलो आ गया फैशन के अंदर, ये सब पुरानी बातें हैं, सिंपल सा घी, ठीक है ना, देसी घी जो होता है, ठीक है ना, या बटर होता है, ठीक है ना, उसको उठाओ बॉडी पे लगा लो एंड दैट इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर।
बट ऑफ कोर्स दैट वुड नॉट स्मेल गुड. यस स्मेल इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक. किसी को हो सकता है कि घी के स्मेल बड़े अच्छे लगते हैं, तो गुड स्मेल किसी के लिए कैन बी अ बैड स्मेल. खैर दैट्स डिफरेंट डिस्कशन नहीं जाते. आई सपोज इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. हमने बहुत डिस्कशन कर लिया कॉस्मेटिक्स का, आगे बात करते हैं. Okay. Now, just pay attention. ध्यान दीजिएगा. अगला कॉन्सेप्ट हमको डील कर रहा है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पे अटेंशन. हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जंक्शंस. क्या जंक्शंस? सेल टू सेल जंक्शंस. अब जंक्शन क्या होते हैं? दो सेल के बीच में अलग अलग तरह की जंक्शन हो सकती है. नाम दीजिएगा. मान लीजिए एक सेल और फिर दूसरा सेल. मान लीजिए एक सेल और फिर दूसरा सेल. अब यहां पर मैं आपको दो तरह की जंक्शन पढ़ा. मान लीजिए इसमें इस तरीके से एक प्रोटीन है, ठीक है ना? इस तरीके से प्रोटीन है. अब इस प्रोटीन की वजह से चीजें जो यहां पर है वो यहां पर नहीं जा सकती, उनकी मूवमेंट यहां पर रखी हुई है. और जो चीजें यहां पर है उसकी मूवमेंट यहां पर रखी हुई है, ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके की अगर जंक्शन दो सेल के बीच में होती है, या मैं आपको बताऊं, है ना, तो इनको बोलते हैं हम साइंटिफिकली ऑक्लूडिंग जंक्शन. ऑक्लूडिंग मतलब रोक लगाने वाली. मैं सिंपली टाइट जंक्शन जो सेल टू सेल कोई मूवमेंट करने नहीं देते. जैसे मैं बताता हूं, आपके न्यूरॉन्स के पास डायरेक्टली ब्लड नहीं जाता. क्यों? कुछ सेल्स एक बैरियर बना रहे हैं, द ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों बना हुआ है? बिकॉज ऑफ द टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल. ऐसे ही टेस्टिस के अंदर जहां स्पर्म्स बन रहे हैं वहां ब्लड नहीं जाता डायरेक्टली. क्यों? बीच में आ जाते हैं सेरेटोली सेल्स. सेरेटोली सेल्स टाइट जंक्शन बनाते हैं, ब्लड को नहीं आने देते ग्रोइंग स्पर्म के पास, ठीक है ना? तो ये जो जंक्शन हो गई दैट इज सेल two cell cell and cell junctions and they are known as the tight junctions. ठीक है, मतलब कि इनको बोलते हैं जो ऐसी जंक्शन जहां पर कुछ भी आर पार ना हो, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है बैरियर्स या रुकावट की चीजें बनाने के. क्लियर पॉइंट? आई सपोज टाइट जंक्शन इज क्लियर. नहीं है क्लियर तो हम लास्ट में इसको डॉट में आप पूछ लीजिए. ये हुआ टाइट जंक्शन की बात. तो आपको कोई पूछा कि क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप बोलेंगे बैरियर्स बना दिए, रुकावट के स्ट्रक्चर बना दिए. ठीक है, तो बैरियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब इसको डाल, ठीक, तो टाइट टेंशन हो गई. अब टाइट के लिए आप अपोजिट देखिए, बड़ा आपको ये इंटरेस्टिंग सामने आएगा. टाइट के अपोजिट है ये सेल है, दूसरा सेल. अब मान, अब समझो जरा बात. अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो ये लिपिड की लेयर है, ये भी लिपिड की लेयर है. तो मुझे पहले यहां से यहां डिफ्यूज करना, पहले यहां से इस बैरियर को पार करूं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को, ठीक है, कर लिया. फिर इस बैरियर को पार करूंगा, फिर यहां होगा. मतलब मुझे दो बैरियर क्रॉस करने, एक और एक दो बैरियर क्रॉस करने. तो मूवमेंट फास्ट हुआ या स्लो हुआ? मूवमेंट हुआ स्लो, ठीक, वेरी गुड. और अगर आप ऑयल के बने हुए फिर तो ईजी है, फिर तो डिफ्यूजन फिर भी बेटर हो जाएगा. लेकिन अगर आप हाइड्रोफिलिक हो, है ना, ऑयल के लिए बने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेम्ब्रेन ऑयल की है, फिर दिक्कत होगी, फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. अब
इसको आसान करना है, तो क्या किया हमने, हमने टनल बना दी। क्या बना दी? टनल। टनल कैसे बनाई? यहाँ प्रोटीन लगा दी, ठीक है ना, प्रोटीन का नाम है कॉलेजन प्रोटीन, कॉलेजन प्रोटीन लगा दी और क्या बना दी, टनल। अब इस टनल की वजह से जो भी चाहे, चलो यहाँ पे भी चाहे आ जाओ, कोई नहीं, छोटा मॉलिक्यूल तो भी आ जा, बड़ा मॉलिक्यूल तो भी आ जा, कैसे आ जा, फास्ट भी आ जा, क्विकली आ जा, छोटा बड़ा स्मॉल हो बिग हो सबका रैपिड ट्रांसफर, सिंपली बोल देंगे क्या, रैपिड ट्रांसफर। तो ये क्या है, ये बन गया एक गैप। तो इसको क्या बुलाया बेटा हमने, इसको बुलाया हमने गैप जंक्शन। गॉट द कॉन्सेप्ट? तो एक है टाइट जंक्शन और जहां पर गैप है दैट इज द गैप जंक्शन। आई सपोज गैप जंक्शन जब आपको क्लियर हो गया, जो एक टनल बना हुआ है कनेक्शन प्रोटीन का, जिससे चीजें इजीली मूव कर सकते हैं, टनल बना दी है ना, अरे बात समझ सकते, वेरी गुड। अब तीसरा देखिए, तीसरा ध्यान समझिएगा, एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग चिपकाने वाले। अब एडहेरिंग में दो एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है, यहां से कुछ प्रोटीन के फाइबर्स है, यहां से कुछ फाइबर्स उससे अटैच हो गए, यहां से कुछ फाइबर्स है, यहां से कुछ फाइबर्स अटैच हो गए। फाइबर्स मेनली किसके बने हुए, ये फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन फिलामेंट है, ठीक है, क्लियर। और यही प्रोटीन फिलामेंट्स अंदर की तरफ भी ये कुछ और प्रोटीन सीमेंटिंग स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए सीमेंटिंग स्ट्रक्चर, ये सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है, सीमेंटिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना, तो ये सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है प्रोटीन फिलामेंट। तो ये कौन सी होगी, एडहेरिंग जंक्शन, कौन सी जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर नाम दे दिया डेस्मोसोम्स, क्या नाम दे दिया, डेस्मोसोम्स, आगे बात समझ, डेस्मोसोम्स, ठीक, कोई डाउट, और सुनिए, और एडहेरिंग जंक्शन मेनली कौन बनाता है, याद रखिएगा, मेनली दे आर मेड अप ऑफ इंटरमीडिएटिंग फिलामेंट्स, इंटरमीडिएटिंग, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनी होती है बेसिकली एडहेरिंग जंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर नाम क्या दे दिया हमने, डेस्मोसोम इज अन एग्जाम्पल ऑफ एडहेरिंग जंक्शन। अब एक और नाम सुनिए, अब नीचे क्या है, नीचे फाइबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिथीलिया, तो क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ना है, फिर से ये बना दिया हमने, तो ये क्या था, डेस्मोसोम दो सेल को जोड़ रहे थे, अब ये भी एक तरीके का डेस्मोसोम है और सेल को जोड़ रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, सेल को सेल से नहीं, सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से, इसको हम बुलाते हैं हेमाई डेस्मोसोम, हेमाई डेस्मोसोम। एक डेस्मोसोम दो सेल को जोड़ रहा था, ये एक ही सेल को जोड़ रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो क्या बुला दिया, हेमाई डेस्मोसोम। हेमाई डेस्मोसोम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ adhering junctions। तो एक सेल के पास कुल मिला के तीन तरीके की जंक्शन हो गई, टाइट, adhering and gap। अब हो सकता है कि एक सेल के पास कोई दो जंक्शन हो, adhering हो टाइट हो gap ना हो सकता है, gap हो adhering हो टाइट ना हो सकता है, gap हो टाइट हो adhering ना हो, या हो सकता है तीनों हो, या हो सकता है कोई एक हो, या हो सकता है कोई ना हो, हर सेल के बीच में जंक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एक सेल यहाँ है एक सेल यहाँ है, बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है, मैट्रिक्स है, तो वहां थोड़ा जंक्शन होंगी,
जंक्शन कौन सेल होती है जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और एपिथीलिया कैसे होते हैं क्लोजली पैक्ड। तो जंक्शन आपको मेनली एपिथीलिया में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ एपिथीलिया में मिलेंगे, और भी सेल्स या टिश्यू में मिल सकती है, जैसे मस्कुलर टिश्यू में जंक्शन होते हैं, मस्कुलर में मिल जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ है ना। तो लेकिन सभी टिश्यू में हो ऐसा जरूरी नहीं है। एपिथीलियल टिश्यू इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेल सेल जंक्शन, और जंक्शन तीन तरीके की हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, कोई दोनों भी हो सकती है। एडहेर करने वाली, एडहेर, नॉन लीकी, बिल्कुल लीक ना करने देने वाली, टाइट, एंड कंप्लीटली लीकी, ठीक है, दैट इज द गैप जंक्शन। तो दीज आर द सेल टू सेल जंक्शन, और ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, और आज की क्लास के लिए हम इतने पढ़ेंगे, अगली बार हम शुरू करेंगे दी कनेक्टिव टिश्यू और खत्म करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स। मस्कुलर और नर्वस नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने बाद में पढ़ना है। सर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक तरीके के फिलामेंट्स हैं एक्चुअली, जो आपका सेल है ना उसका भी एंडोस्केलेटन होता है, मतलब आपकी जो सेल है उसका भी एंडोस्केलेटन होता है, जो सेल के स्ट्रक्चर को कंपोज करके रखता है। अब सेल के स्ट्रक्चर को कंपोज करके रखने वाला या एंडोस्केलेटन जो है वो आपका तीन तरीके का है। एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, जैसे अमीबा होता है ना उसमें माइक्रोफिलामेंट्स है। फिर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो सीलिया फ्लेजला बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो सेल टू सेल जंक्शन बनाने में क्या है रिस्पॉन्सिबल, दे आर प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। फिलामेंट समझते हो, एक लंबा तार जैसा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके सर, ओके, एनीबॉडी एनी अदर एनी अदर डाउट, सर? सर वेयर इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फाउंड, लोकेशन? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया मैंने बताया नहीं आपको, लोकेशन जैसे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, अगर मैं दोनों बता देता हूँ, अगर आप बात करें नॉर्मल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया की, तो आप बोल सकते हैं यूरिथ्रा में, मेल यूरिथ्रा या फीमेल यूरिथ्रा दोनों के अंदर आपको मिल जाएगा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, ठीक है। अब अगर आप सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया की बात करें तो आपके वो ट्रेकिया में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल वाला आपका ईसोफेगस में भी होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना, अपर रीजन ऑफ ईसोफेगस है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉर्मल वाला, और सीलिएटेड वाला मैंने आपको बता दिया ट्रेकिया में होता है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ मिलेगा आपको बताता हूँ, और बताता हूँ, आपका नेजल एपिथेलिया वो भी क्या है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, और ईयर के अंदर जो एपिथेलिया है, ईयर का एपिथेलिया वो भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। तो आपके कान के अंदर, आपके नेजल ट्रैक के अंदर, आपके ट्रेकिया के अंदर, ये सब, और आपके यूरिथ्रा के अंदर, सब कैसा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है। बस याद रखिएगा आपके जो ट्रेकिया वाला है वो सीलिएटेड है, और बाकी दूसरे वाला और ऑल्फैक्टरी वाला भी सीलिएटेड है, और बाकी वाला नॉर्मल है, ठीक है, यूरिथ्रा वाला नॉर्मल, और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, बाकी दो और भी हैं, एक मैंडिबुलर और एक मैक्सिलरी, सॉरी एक मैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल, पैरोटिड तो बता दिया ना, और दो सलाइवरी ग्लैंड्स और होती हैं, उनका जो ये है डक्ट है वो भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। सर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। ओके सर, देखो ओवरऑल एपिथेलिया का फंक्शन अगर बात करें तो जैसे आपने देखा स्ट्रेटिफाइड का हो गया प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है, फिर प्रोटेक्शन के अलावा सेक्रीशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है ना, ग्लैंडुलर हो गया, सेक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, जीआई ट्रैक्ट का, तो ऐसे तो एपिथीलिया के तो बहुत सारे फंक्शन है, है ना, लेकिन जब स्ट्रेटिफाइड की बात आएगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन, मेनली प्रोटेक्शन। लेकिन अब सुनना ध्यान से, ये अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो बोले कि स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया कैन नॉट बी सेक्रेटरी, तो ऐसा नहीं है, सेक्रेशन स्ट्रेटिफाइड भी कर सकता है, जैसे कि एग्जांपल आपके स्किन के अंदर मिलानिन पिगमेंट है, पिगमेंट तो बन रही है ना, स्किन का कलर है इसकी वजह से,
तो सेक्रेटरी हो सकता है लेकिन वो उसका मेन फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ओके सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स एनी अदर डाउट? सर फॉलिकल क्या होते हैं वो समझ नहीं आया था परसों इस क्लास में। बेटा फॉलिकल कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्टोर करके रख रही है। सर गॉल ब्लैडर भी स्टोर करता है, लिक्विड लिक्विड की फॉर्म में स्टोर कर रही है ना, मतलब ये एपिथेलियल सेल से कवर्ड स्ट्रक्चर है और अंदर फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, तो फिर वो फॉलिकल बोल देते पूरे स्ट्रक्चर को। चारों तरफ एपिथेलियल और बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन, तो फॉलिकल बोल सकते हैं। ओके सर। एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट? सर मैंने एक और टाइप को वो पढ़ा था जंक्शन, जोन्यूला एडहेरेंस, तो सर वो भी मतलब इसी के अंदर आएगा ना, एपिथीलिया के अंदर ही? कहाँ पढ़ा ज़ोनुलर एडहेरेंस? ज़ोनुलर एडहेरेंस इज द नेम फॉर एडहेरिंग जंक्शंस। ज़ोनुलर एडहेरेंस, मैक्यूला एडहेरेंस, जिनके नाम का क्या एडहेरेंस लगा हुआ है, दे आर एडहेरिंग जंक्शन। सर इसी के अंदर आएगा ना, आपके थिलल के अंदर? जंक्शन के अंदर आएगा पर सर मोस्टली तो इसके अंदर होते हैं ना, एपिथेलियल के अंदर? जंक्शन के अंदर आएगा वो। अब जंक्शन कहीं मर्जी हो, जहां एपिथेलियल के बीच में हो, किसी दूसरे टिश्यू के बीच में हो, तो ये ऐसा थोड़ा ना कि सर जंक्शन एपिथेलियल के बीच में ही है। तो आप बोल सकते हो एपिथेलियल 90%, बट वही है कि जंक्शन के अंदर आएगा, इट्स अ काइंड ऑफ जंक्शन। सर इंटर डिजिटेशन भी कोई जंक्शन होता है? एक बात, तुम अब ज्यादा डिटेल में जाए तो अब तुम्हें बता देता हूँ कि अज्यूम करो इंटर डिजिटेशन से नहीं, दो तरीके की चीज होती है, एक होती है इंटर डिजिटेशन, एक होता है इंट्रा सेलुलर ब्रिजेस। अब क्या हुआ कि सेल के अंदर से फिलामेंट नहीं निकल रहा है। मेरी उंगलियों को फिलामेंट मत समझो, मेरी उंगलियों को समझो विलाई, मगर ये विलाई कैसे दूर दूर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ऐसे ऐसे है, समझ रहे हो? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप ही ऐसी है, ठीक है ना? अब ये सेल ये भी सेल ऐसा है, अब ये दो उंगलियां समझो ये से जुड़ गई, क्या बन गया बेटा? ये ब्रिज बन गया। yes, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर ब्रिज। ये ब्रिज बन गया, चिपक गया आपस, ठीक है ना? अच्छा, और क्या हो सकता है? ये ऐसे अटैच हो गया, आपस में इंटरलॉकिंग हुए, इसको बोलते हैं इंटर डिजिटेशन। देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम इंटर डिजिटेशन। ये इंटर डिजिटेशन है और ये इंटरसेलुलर ब्रिजेस है। देखो अगेन मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ जो मुझे पता है कि आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में आनी है, आपको जो चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए। अब चीजें मुझे भी और बहुत सारी पता होती है, मैं जान पूछ के स्किप कर जाता हूँ बिकॉज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं नहीं स्किप करूंगा, मैं बता दूंगा, और बाई चांस अगर कुछ स्किप हो जाता है तो मुझे जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा, तो उतना भरोसा आप रखिए मुझ पर, ठीक है? आप जब नीट देने जाएंगे ना, दो साल मुझसे पढ़ने के बाद जो भी स्टूडेंट नीट देने जाता है, ठीक है ना, वो स्टूडेंट वापस आके ये नहीं कहता कि सर ये वाली चीज कुछ एकदम ही नहीं थी जो कभी नहीं सुनी थी। दो तीन क्वेश्चन छोड़ दो तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो इतने बाहर से होते, इतने बाहर से होते हैं कि यू कांट इवन थिंक कि वो पढ़ाने जाओगे तो फिर 10 साल लग जाएंगे, सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो कुछ चीजें इतनी बाहर जाती है, उनको छोड़ दो, लेकिन जो 95% पेपर आता है, तो मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई स्टूडेंट आके मुझसे बोला दो साल मेरे से दो साल पढ़ने का, नहीं एक साल पढ़ा छोड़ दिया, 6 महीने पढ़ा छोड़ दिया। मैंने दो साल पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट आज तक आके ये नहीं बोला जूलॉजी के केस में कि सर ये जो था ना ये कभी नहीं सुना था क्लास में, या ये बात ही नहीं करी थी आपने, ये क्वेश्चन से आ गए, दैट हैज नेवर हैपेंड। तो भरोसा रखिए, ठीक है? मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा उतना अगर आप माइंड में याद रखेंगे, नोट्स बना के लिखेंगे, तो आपके
95% अगर आपको पता होगा सुना होगा आपने, अब आपने ध्यान नहीं दिया याद नहीं रखा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ठीक है। एंड नॉट जस्ट मी, आपके जितने बाकी टीचर थे कॉर्टिजोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वो सारे इतने क्वालिफाइड और इतने ओल्ड हैं कि एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो अगेन अगर आप 2 साल ध्यान से सुन लेंगे सारी बातें उनकी तो 95% पेपर आपका ऐसे निकल जाना है। ये बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आप मान लो कि 100% के बाद तो होते ही कॉन्सेप्ट है ठीक है ना, तो अगर आपने पढ़ लिया तो ओवरऑल इतना आपने कर लेना, लेकिन आप कोई आप पूरा ध्यान देते नहीं है ठीक है, तो कोशिश कीजिए इतना ध्यान दे सके मैक्सिमम ठीक है। चलिए सी इन द नेक्स्ट क्लास, एनी अदर डाउट्स, आई सपोज नो, ओके।